जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दुर्घटना करार दिया था, जिसके बाद से वह सत्ताधारी पार्टी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। अब उनके इस बयान पर भाजपा के एक और नेता कूद गए हैं। इस नेता का नाम गोपाल भार्गव है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह की उंगलियां और मुंह में गुप्त रोग हो गया है। भार्गव ने कहा, उनकी उंगलियों और मुंह में एक गुप्त रोग है। जब तक वो अपनी उंगलियां नहीं चला लेते मोबाइल पर, जब तक अपने मुंह से कुछ देश के खिलाफ बयान नहीं दे देते, तब तक दिग्विजय सिंह को भोजन नसीब नहीं होता। ऐसी सरकार के लिए क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वो कहते हैं तो पुलवामा की घटना दुर्घटना बम नहीं फेंका गया था, वो तो एक एक्सीडेंट था। वह अपना नाम चलाने के लिए अखबारों में, टेलीविजनों पे इस प्रकार के बयान देते हैं ताकि मालूम चले कि दिग्विजय सिंह जिंदा है। दिग्विजय सिंह आज भी काम कर रहा है। उनकी उंगलियों में और उनके मुंह में एक गुप्त रोग है। जब तक वो सुबह से अपनी उंगलियां नहीं चला लेते मोबाइल पे, कुछ लिख नहीं देते, कुछ ट्यूटर नहीं कर लेते, जब तक अपने मुंह से कुछ देश के खिलाफ को बयान नहीं दे देते, तब तक दिग्विजय सिंह को भोजन का नसीब। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, देश की सीमाओं पर संकट है और हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के नेता, अपोजिशन के नेता, ठग गठबंधन के नेता और भी ज्यादा भयावह करना चाहते हैं, और भी ज्यादा घना करना चाहते हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है चारों संसदीय क्षेत्रों में, आप इस बात को बताएं। आप जाए लोगों के पास में, तो मैं मान के चलता हूं कि चारों लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3-3 लाख वोट की लीड लेकर अपने सांसद के लिए चुनेगी और नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनाएगी।